एक कहानी ऐसी जिससे रूह कांप जाए। इसका रंग उतर रहा था और इसके मैदान में घास फूस उग आया था। शहरवासी अस्पताल के बारे में कहानियां कानाफूसी करते थे। उनका दावा था कि यह अपने पूर्व रोगियों के भूतों द्वारा प्रेतवाधित था। कुछ ने कहा कि भूत बेचैन और क्रोधित थे, जबकि अन्य ने कहा कि वे खोए हुए और भ्रमित थे। एक दिन किशोरों के एक समूह ने परित्यक्त अस्पताल का पता लगाने का फैसला किया। उन्होंने कहानियां सुनी थी, परंतु उन्होंने उन पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने सोचा कि अस्पताल में एक रात बिताना और देखना मजेदार होगा कि क्या कुछ होता है। किशोर एक टूटी हुई खिड़की से अस्पताल में घुस गए। उन्होंने अंधेरे और धूल भरे गलियारों से अपना रास्ता बनाया। उनकी फ्लैशलाइट दीवारों पर भयानक छाया डाल रही थी। वे एक ऐसे कमरे में आए जो कभी मरीजों का कमरा था। एक बिस्तर और एक बेडसाइड टेबल को छोड़कर कमरा खाली था। एक किशोर बिस्तर पर बैठ गया। वह कुछ कहने ही वाली थी कि उसे अपने पीछे शोर सुनाई दिया। वह पीछे मुड़ी और दरवाजे पर एक आकृति खड़ी देखी। वह लंबी और पतली थी, उसकी त्वचा पीली थी और लंबे काले बाल थे। इसने सफेद हॉस्पिटल गाउन पहना हुआ था। किशोरी चिल्लाई और बिस्तर से कूद गई। वह और उसकी सहेलियां कमरे से बाहर दालान में भाग गईं। वे पूरे अस्पताल में भागे, लेकिन उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। वे गलियारों की भूल भुलैया में खो गए थे। अचानक उन्हें अपने पीछे एक शोर सुनाई दिया। उन्होंने पीछे मुड़कर फिर से भूत को देखा। यह उनका पीछा कर रहा था। किशोर तेजी से भागे, लेकिन भूत उन पर हावी हो रहा था। वे उसके कदमों की आहट को और भी करीब से सुन सकते थे। आखिरकार उन्हें अस्पताल से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया और वे रात में भाग गए। जब तक वे शहर के चौराहे पर नहीं पहुंच गए, उन्होंने दौड़ना बंद नहीं किया। सालों बाद, वर्षों बाद, किशोरों में से एक शहर लौट आया। वह अब एक वयस्क महिला थी और उसकी अपनी एक बेटी थी। उसने अपनी बेटी को पुराने अस्पताल दिखाने का फैसला किया। वह उसे वह स्थान दिखाना चाहती थी जहां उसे सबसे भयानक अनुभव हुआ था। जब वे अस्पताल पहुंचे तो महिला यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि इसका नवीनीकरण किया गया था। अब यह एक संग्रहालय था जो अस्पताल के इतिहास को समर्पित था। महिला और उसकी बेटी म्यूजियम के अंदर चली गईं। उन्होंने प्रदर्शनियों का अवलोकन किया और अस्पताल के अतीत के बारे में जाना। वे उस कमरे में आए जहां महिला ने भूत देखा था। कमरा अब खाली था, एक कांच के डिब्बे को छोड़कर। केस के अंदर एक सफेद हॉस्पिटल गाउन था। महिला की बेटी की नजर गाउन पर पड़ी। वह क्या है, उसने पूछा। महिला ने गहरी सांस ली। वह गाउन है जिसे भूत ने पहना हुआ था, उसने कहा। महिला की बेटी ने उसे अविश्वास से देखा। आप गंभीर नहीं हैं, उसने कहा। महिला ने सिर हिलाया। मैं गंभीर हूं, उसने कहा। मैंने भूत को अपनी आंखों से देखा। महिला की बेटी ने कुछ नहीं बताया, वह सिर्फ गाउन की तरफ देखती रही। महिला और उसकी बेटी संग्रहालय छोड़कर बाहर धूप में चली गईं। महिला ने पीछे मुड़कर पुराने अस्पताल की ओर देखा। वह जानती थी कि भूत अभी भी वहीं है कहीं, और वह जानती थी कि वह प्रेतवाधित अस्पताल में अपनी रात कभी नहीं।